चाणक्य नीति एक प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथ है जिसमें आचार्य चाणक्य के उपदेश और नीतियों का संग्रह है। ये ग्रंथ उनके समय के राजा चंद्रगुप्त मौर्य की सलाहकार और सिंहासनाधीश्वर थे और उनके द्वारा लिखा गया था। चाणक्य नीति न केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए बल्कि समाज और राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये ग्रंथ आज भी हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करने के उपयोगी सिख देता है। इस लेख में हम चाणक्य नीति से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण जीवन सिखों को हिंदी में विस्तार से जानेंगे। 1. ज्ञान की महत्वपूर्णता। अशास्त्रे च पर नास्ति विद्याया न सहायता। चाणक्य नीति में उन्होंने ज्ञान की महत्वपूर्णता को बताया है। यहाँ उन्होंने कहा है कि विद्या ही एक ऐसी शक्ति है जिससे कोई भी कार्य संभव होता है और विद्या के बिना कोई भी कार्य असंभव हो जाता है। ज्ञान और विद्या की प्राप्ति से ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। 2. संयम और आत्मनिग्रह का महत्व। आत्मनिग्रहेन बलेन्द्रियाना वाज्ञान वाग्यमासीति। चाणक्य नीति में आत्मनिग्रह और संयम की महत्वपूर्णता को बताया गया है। यह उपदेश देता है कि व्यक्ति को अपने इंद्रियों को निग्रह करना चाहिए और अपनी भाषा को भी संयम में रखना चाहिए। इससे व्यक्ति का स्थिर मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है और वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहता है। 3. विश्वास का महत्व। न पर हीनता दांत पोहते सद्य प्राप्तव्यम प्रियत्वयो विद्या। चाणक्य नीति में ये उपदेश दिया है कि व्यक्ति को अपने बल धन तपस्या या दान से नहीं बल्कि विश्वास और विद्या से ही प्राप्त होने चाहिए। 4. अच्छे दोस्तों का महत्व। गुरु स्नेहो बंधुश्च विद्याग्नुत्म। चाणक्य नीति में ये सिख दिया गया है कि व्यक्ति को अच्छे दोस्तों का संग्रह करना चाहिए। अच्छे दोस्त हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। 5. समय का महत्व। काले शक्तो भवद्भयो ज्ञान व्यतिगोचर। चाणक्य नीति में समय की महत्वपूर्णता को बताया गया है। यहाँ उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को समय के अनुसार अपने कार्यों को करना चाहिए क्योंकि समय का अच्छा उपयोग करने से ही सफलता मिलती है। 6. धन का सही उपयोग। अर्थेन विना यह सहायन कुर्यादत सग्रहम। चाणक्य नीति में ये उपदेश दिया है कि धन का सही उपयोग करना चाहिए। धन को सही तरीके से संग्रह करना और उसका सही उपयोग करना चाहिए ताकि व्यक्ति आर्थिक रूप से स्थिर रह सके। 7. सच्चे और वचनवदी रहना। सत्येन वापी हित ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न हित। चाणक्य नीति में ये उपदेश दिया है कि व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए परंतु सच्चे और हितकर वचनों का पालन करना चाहिए। 8. कठिनाइयों का सामना करना। न क्षमात कर्म तिष्णता न विनयो दुर्जनांतिके। चाणक्य नीति में ये सिख दी गई है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए व्यक्ति को क्षमा कर्म तिष्णता और विनय की आवश्यकता होती है। 9. अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होना। कर्मणा नैव हि संसिद्धिमस्ति नियत क्रियाः न कुशले। चाणक्य नीति में ये सिखाया गया है कि कार्यों के लिए क्रियाशील रहना और उन्हें उत्तरदायीपन से करना चाहिए। समय और कार्य की प्राथमिकता का पालन करते हुए व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। 10. आत्मविश्वास और संवाद कौशल। संवादेन शिक्षेत प्रियम अप्रियम चानितोषनम। चाणक्य नीति में ये सिखाया गया है कि व्यक्ति को संवाद कौशल में माहिर होना चाहिए। संवाद के माध्यम से प्रिय और अप्रिय बातों का सामग्री सही तरीके से प्रस्तुत करने की कला सीखनी चाहिए। इसके साथ ही आत्मविश्वास को बनाए रखने की भी महत्वपूर्णता बताई गई है। 11. समर्पण और संघटन। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। चाणक्य नीति में ये उपदेश दिया है कि व्यक्ति को समर्पण और संघटन की कला का अभ्यास करना चाहिए।
ये सिखाता है कि उन्हें अपने कार्यों में समर्पित रहना चाहिए और समाज में उनका सहयोग करना चाहिए। 12. परिश्रम की महत्व। प्रयत्नेनैव तेयते यः सुकृतिं न कुर्यात् किल्बिषम्। चाणक्य नीति में ये सिखाया गया है कि व्यक्ति को परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अव्यवस्थित परिश्रम से ही किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती है। 13. सफलता की प्राप्ति के लिए योगदान। सफल ह्यस्फल योगी योगिनः क्रियते रहितम्। चाणक्य नीति में ये सिख दी गई है कि सफलता की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशीलता आवश्यक होती है। बिना किसी योगदान के सफलता प्राप्त करना संभव नहीं होता है। 14. अच्छे आदर्शों का पालन। यथा तेषा तथा चान्ये शाम्पि विनियोग। चाणक्य नीति में ये सिख दी गई है कि व्यक्ति को अच्छे आदर्शों का पालन करना चाहिए। ये सिखाता है कि आपके आसपास जितने भी लोग हों, आपको अपने आदर्शों के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। 15. सफलता का सूत्र। सत्यम चायुत्मायास्य सूत्रम चैकेन लक्षणम। चाणक्य नीति में ये सिखाया गया है कि सफलता का सूत्र सत्य और एकाग्रता में छिपा होता है। सत्य वचन और एकाग्रता के साथ काम करने से ही सफलता प्राप्त होती है। चाणक्य नीति में दी गई यह महत्वपूर्ण सीखें हमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सहायक होती हैं। यह उपदेश हमें न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करते हैं, बल्कि समाज और संगठनों में भी सफलता प्राप्त करने के उपायों की ओर प्रेरित करते हैं। चाणक्य नीति के उपदेश हमें समर्पण, सफलता और आदर्शों का पालन करने की महत्वपूर्णता को समझाते हैं, जो कि एक सफल और आदर्शमय जीवन की सफलता की कुंजी होते हैं।